नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्ज़ाम नॉलेज में। आज देखेंगे एसएससी जेई का 2017 मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर दोस्तों। और 18 का नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए और टेलीग्राम लिंक में जुड़ जाइए, जो जहाँ पे कि मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर सकूं। और बिना समय नष्ट किए हुए देख लेते हैं, आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा है। ये आपका क्वेश्चन देख लीजिए, इज नोन आज क्या होगा इसका आंसर। ये आपका बायोट नंबर हो जाएगा, सरफेस कॉन्वेक्शन बाय इंटरनल कंडक्शन रेसिस्टेंट इज नोन एज बाइट नंबर हो जाएगा, ऑप्शन टू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन आइडियल एयर कंप्रेशन साइकिल विथ क्लियरेंस पीवी डायग्राम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, तो डैश प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों, बताइए आपका कौन सा प्रोसेस होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा टू एडियाबैटिक एंड टू आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों, ये वाला देख सकते हैं आप। उसके बाद इन सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंज वेफर प्रोवाइड बाय द सेल साइड टू, ये आपका क्या होगा आंसर। इसका हो जाएगा ऑप्शन फोर, ऑल ऑफ दिस अबव हो जाएगा। और ये ऑफिशियली साइट ओएसएससी पोर्टल से निकाला गया है, तो आप वहां से क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों, इसीलिए फिक्र करने कोई बात नहीं। ओरिजिनल ऑथेंटिक क्वेश्चन है दोस्तों। द रेशियो ऑफ द थिकनेस थर्मल बाउंड्री लेयर इज थिकनेस हाइड्री प्रानेंट नंबर वेयर एन इज, तो क्या होगा -1/3 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन वन। इन रिगार्डिंग न्यूक्लियर बॉइलिंग क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन फोर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस अबव। वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए जितना एनालिसिस हो सके मैं करवा दे रहा हूँ। बाउंड्री लेयर इज डिफाइंड एज, तो क्या होगा इसका आंसर, ए थिन लेयर ऑफ द सरफेस वेयर ग्रेडियंट इज बोथ वेलोसिटी एंड टेम्परेचर आर लार्ज, ऑप्शन फोर हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू इंसुलेटिंग मेटेरियल थर्मल कंडक्टिविटी के टू के अवेलेबल फॉर लैगिंग, ये आपका क्या होगा आंसर, बोलिए। ईच मटेरियल इज द सेम, क्या होगा इसका आंसर, ना इसका आंसर हो जाएगा मटेरियल विथ लोअर थर्मल कंडक्टिविटी शुड बी यूज्ड इन द इनर लेयर एंड वन विथ हायर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आउटर। उसके बाद दोस्तों पूछा गया है क्रिटिकल थिकनेस का इंसुलेशन स्पीयर गिवन बाय, क्या होगा इसका आंसर, 2K/H, ये आपका ऑप्शन फोर हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद दिया गया है विच सरफेस विल हैव लीस्ट एमिसिविटी, लीस्ट एमिसिविटी किस में होता है, एल्यूमिनियम फॉयल में होता है, जो कि ऑप्शन थ्री में दिया गया है। उसके बाद पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ द बॉडी टू अनदर विदाउट द एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज, क्या होगा इसका आंसर, कंडक्शन हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन वन। उसके बाद दिया गया है द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम ए हीट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी स्ट्रेट लाइन विदाउट अफेक्टिंग द इंटरविंग मीडियम इज नोन एज, क्या होगा इसका आंसर, रेडियन हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन थ्री। उसके बाद दोस्तों हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक बॉल बाय, ये आपका ऑल ऑफ दिस अबव हो जाएगा, कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन हो जाएगा। एजम्पशन मेड इज द फ्यूरियस लॉ इज द हीट फ्लो, ये क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर बोथ ए एंड बी हो जाएगा, स्टेडी स्टेट एंड सॉलिड मीडियम वन डायमेंशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इफ थर्मल ऑफ ए मटेरियल ऑफ वॉल वेरीज, ये दिया गया है पढ़ लीजिएगा, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा मोर, ऑप्शन वन हो जाएगा इसका। उसके बाद विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर, ये क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा दोस्तों टेम्परेचर आपका कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी में। उसके बाद दिया गया है लिक्विड मेटल हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी इज ऑफ, किस में ज़्यादा हाईएस्ट रहता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मर्क्यूरी, सॉरी सोडियम हो जाएगा इसका आंसर, सोडियम हो जाएगा दोस्तों। तो और मर्क्यूरी भी दिया गया है और दो आंसर दिया गया है, इसको मैं स्किप कर लेता हूँ दोस्तों, ये गलती से दो ठो आ गया है, माफ़ कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिनिमम थर्मल डिफ्यूजिविटी इज ऑफ, ये आपका रबर हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन टू। उसके बाद क्रिटिकल रेडियस ऑफ ए होलो सिलेंडर इज डिफाइंड एज, किस में डिफाइंड एज किया जाता है दोस्तों, आउटर रेडियस व्हिच गिव मैक्सिमम हीट फ्लो में किया जाता है। उसके बाद दोस्तों 19 का देख लेते हैं, हीट एक्सचेंज आर यूज्ड इन, ये आपका किस में यूज होता है, ए बी सी डी दिया गया है सभी में दोस्तों, कंडक्शन बॉयलर स्टीम प्लांट रेडिएटर इंटर कूलर एंड प्री हीटर एंड कंडेंसर एंड इवेपोरेटर ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन। उसके बाद दोस्तों ऑटोमोबाइल रेडिएटर इज हीट एक्सचेंजर ऑफ डैश टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर दोस्तों, बताइए इसका आंसर हो जाएगा आपका, नीचे दिया गया है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रॉस फ्लो, क्रॉस फ्लो हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम डिफरेंस बिटवीन द हीट एडेड द सिस्टम वर्क डन बाय द गैस इक्वल चेंज इन, क्या होगा इंटरनल चेंज एनर्जी हो जाएगा, ऑप्शन थ्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस इवेंचुअली
रिटर्न वर्किंग सब्सटेंस टू इट्स ओरिजिनल स्टेट इज नोन एज थर्मल थर्मोडायनामिक साइकिल हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन टू। उसके बाद केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ए मोशन मशीन ऑफ क्या होगा इसका आंसर सेकंड किंग इज इम्पॉसिबल हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो क्या हो जाएगा इसका आंसर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर रिड्यूस टू जीरो हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद अकॉर्डिंग टू गैसेस लॉ परफेक्ट गैस एब्सोल्यूट प्रेशर इज गिवन बाय मास वेरियस डायरेक्टली एज क्या होगा डायरेक्टली क्या इफेक्ट करता है ना एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ वॉल्यूम रिमेन कॉन्स्टेंट। तो याद रखिएगा दोस्तों पूरा आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार देख सकते हैं आप किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कंटिन्यूअस विद रिस्पेक्ट टू द मॉलिक्यूलर बाय द इसका आंसर हो जाए कैरेक्टर ऑफ मोशन में। सभी तरह का सभी चैप्टर का मैं ऑल फार्मूला भी दे दिया हूँ जिसमें कि इंपॉर्टेंट है, आप जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। मैकेनिकल रिलेटेड वीडियो जितने भी दिए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट मैं कर दिया हूँ सिलेबस अकॉर्डिंग। सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल द नंबर मॉलिक्यूल इज द अकॉर्डिंग टू क्या होगा ये एब्रेगो लॉ हो जाएगा इसका। उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस सी पी इक्वल टू सी वी एट ऑप्शन क्या होगा इसका एब्सोल्यूट जीरो हो जाएगा। द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ओबे डीबे टी थ्री लॉ आठ क्या होगा इसका आंसर ऑल टेम्परेचर हो जाएगा दोस्तों, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर सब हो जाएगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है ना ये होता है आपका मास थ्रू द कंटिन्यू सीरीज ऑफ द इक्विलिब्रियम स्टेट लिफ्ट और नो हिस्ट्री ऑफ द इवेंट इज सराउंडिंग मोस्ट ऑफ द थ्रो सेम स्टेट ऑफ द रिवर्स पाथ ऑफ द फॉरवर्ड पाथ ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा। इन रेड वुड विस्कोमीटर क्या होगा इसका आंसर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ विस्कोट इज डायमीटर हो जाएगा इसका आंसर। रोटोमीटर इज़ ए डिवाइस यूज मेज़र क्या यूज करने के लिए मेज़र किया जाता है फ्लो ऑफ फ्लूइड इसका 18 में पूछा गया था। एक तो देखिए फ्लो मेज़र के में से एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है दोस्तों इसमें से, पर इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर करके जाना चाहिए। स्टडी फ्लो अकोर हुए किस लिए होता है तो कंडीशन डू नॉट चार्ज विथ एनी एट एनी टाइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 34 इफ द पार्टिकल फ्लूइड अटेन सच वेलोसिटी दैट द वेरी फ्रॉम 1.2 मैग्नीट्यूड एज वेल द इंस्टेंट द फ्लो इज क्या होगा ना टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा ऑप्शन थ्री। उसके बाद दोस्तों पूछा गया है फ्लो अकोरिंग इन ए पाइपलाइन व्हेन वैल्यू वाल्व इज बीइंग ओपन इज द फ्लो ऑफ एक्वायरिंग इज पाइपलाइन व्हेन वाल्व इज बीइंग ओपन इज क्या होगा अनस्टडी हो जाएगा ऑप्शन टू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 36 फॉर मेजरिंग फ्लो बाय ए वेंचुरी मीटर इट शुड बी इंस्टॉल्ड इन क्या होगा ये आपका इन एनी डायरेक्शन एंड इन एनी लोकेशन हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद दोस्तों दिया गया है स्ट्रीम लाइन इज डिफाइंड एज द लाइन तो क्या होगा ऑफ इक्वल वेलोसिटी इन फ्लो हो जाएगा इसका आंसर। द प्रपोज ऑफ सर टैंक इज अ पाइप लाइन इज टू बी ये क्या होगा इसका आंसर ना कॉम्पेंसेट फ्रिक्शन लॉस इन पाइप्स हो जाएगा इसका आंसर। द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर इज अ फ्लूइड on a floating body is equal to weight of the fluid displaced by the body defined according to the आपका bouncy law हो जाएगा आपका bouncy option one हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 40 bouncy क्या हो जाएगा इसका the balloon lifting in air follow the ये balloon lifting air follow the क्या होगा इसका आंसर law of gravitational arithmetic principle of buoyancy all of the above हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद दोस्तों next question पूछा गया hydraulic grid लाइन एज कम्पेयर टू द सेंटर लाइन ऑफ कंडक्ट इसका क्या होगा आंसर ये होगा शुड बी ऑलवेज अबव हो जाएगा ऑलवेज अबव में रहता है। पीजियोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड प्रेशर मेजरमेंट इन पाइप व्हेन ऑप्शन तो क्या होगा इसका आंसर फ्लूइड्स इन पाइप इन गैस इज ए गैस हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन थ्री। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हॉट वायर एनेमोमीटर इज यूज टू मेजर अप मेजर वेलोसिटी गैसेस हो जाएगा तो मेजर किस में कौन सा मेजर किया जाता है जरूर पढ़ के जाइएगा सभी रट के जाइएगा किसी भी तरह से करके जाइएगा क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा। फ्रिक्शन ड्रैग इज जनरली लार्ज देन द प्रेशर ड्रैग इन क्या होगा आपका फ्लो पास्ट ए सिलेंडर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इफ वन ऑफ द वाल मूव इज डायरेक्शन ऑफ ए फ्लो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाइल द अदर वाल स्टेशनरी तो देन द रिजल्टिंग फ्लो बिटवीन पैरेलल वाल इज कॉल्ड क्या होगा प्लग फ्लो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन वन। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 46 का रेशियो ऑफ द एनर्जी एब्जॉर्ब
बाय द बॉडी इन टोटल एनर्जी फॉलिंग ऑन ए कॉर्ड, क्या बोला जाता है आपको? अब्सॉर्प्टिव पावर बोला जाता है, ऑप्शन टू। उसके बाद इन्हें फ्लो फील्ड एट द स्ट्रेन एंड पॉइंट, क्या होगा इसका? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जीरो हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद विस्कोसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन दी, क्या होगा किसका प्रॉपर्टी ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों? फॉर्मुलेटिंग ऑफ सब बबल्स, ऑप्शन थ्री हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा इधर आ गया है, कट गया है। दे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ लिक्विड अप्रोच द वेपर प्रेशर, लिक्विड स्टार्ट वेपराइजिंग एंड क्रिएट पॉकेट्स बबल्स डिजोल्व गैसेस एंड वेपर, दिस फिनोमिनन, इस फिनोमिनन को क्या बोला जाता है दोस्तों? पूछा गया है तो ये आपका दिया गया है क्वेश्चन, क्या बोला जाता है ना? सरफेस टेंशन बोला जाता है, जो कि ऑप्शन वन में दिया गया है। उसके बाद द फ्लूइड फोर्सेस कंसिडर इन द नेवियर स्ट्रोक्स इक्वेशन आर, क्या होगा इसका आंसर? ना ग्राविटी प्रेशर एंड विस्कोस हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन वन। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन फॉर एनी फ्लो सिस्टम एज कंपेयर टू एनर्जी लाइन इज, क्या होगा आपका? बिलो हो जाएगा, ऑप्शन टू। उसके बाद टू अवॉइड वेपराइजेशन इन द पाइपलाइन, द पाइपलाइन ओवर द रिज द लेड सोर्स दैट इफ इज नॉट मोर देन, क्या होगा इसका आंसर? 2.4 mm अबव द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो जाएगा, द लोकस ऑफ एलिवेशन दैट वाटर विल राइज इन ए सीरीज पाइट ट्यूब इज कॉल्ड, क्या होगा दोस्तों? पाइट ट्यूब को क्या बोला जाता है, जो कि एनर्जी ग्रेड लाइन हो जाएगा इसका आंसर। प्रेशर पास्कल ऑफ द डेप्थ ऑफ 1 meter बिलो द सर्फेस बॉडी ऑफ द वाटर विल बी इक्वल टू, तो 9810 PA हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख, 9810 PA दोस्तों। उसके बाद पूछा गया है, वाटर फ्लो ऑफ टेपर एज शोन एज द फिगर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द मर्क्यूरी मैनोमीटर कॉरस्पॉन्डिंग डिस्चार्ज 126 LS दिया गया है, तो आप नीचे देख सकते हैं, ये डायग्राम भी दिया गया है, ये डायग्राम दिया गया है, ये ऑप्शन दिया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा 19.28, ऑप्शन थ्री हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 56 का, इफ ए पंप हैंडलिंग, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, ऑप्शन वन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी दोस्तों दिया गया है इफिशेंसी निकालने के लिए, इसका हो जाएगा 74.2 HP हॉर्स पावर। उसके बाद द फ्लो ऑफ लामिनार फ्लो पाइप भी इक्वल टू, तो आपका 0.5 UMAX हो जाएगा, जो कि ऑप्शन टू में दिया गया है। उसके बाद वाटर इतना दे दिया गया है, ये आपका आर्केजन से किया हुआ है सभी क्वेश्चन दोस्तों, आया हुआ है 1.117 cm/s, और दोस्तों इस उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 60 का देख लेते हैं, सर्ज वेव इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये आपका अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज एन इन्वर्सन ऑफ, क्या हो जाएगा? सिंगल स्लाइड क्रैंक चेन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन टू में दिया गया है। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है जरूर दोस्तों, उसको भी करके जाइएगा। उसके बाद इन गियर इंटरफेस इधर टेक प्लेस हुए, आपका हो जाएगा टिप ऑफ द टूल मेटिंग ऑफ द गियर टी डिग इन टू द पर्सन बिटवीन द बेस ऑफ द रूट सर्कल दोस्तों, ये आपका ऑप्शन वन हो जाएगा इसका आंसर। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन मल्टीपल व्हील ड्राइव इज द प्रिफरेबल चार्ज द कंप्लीट टू द सेटअप, ये तक आंसर प्रॉपर एलिगमेंट हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए कपलर लिंक फॉरवर्ड मैकेनिज्म वुड एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस होगा दोस्तों? द बोथ लीनियर एंड एंगुलर एक्सीलरेशन हो जाएगा इसका आंसर। 65 देख लेते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ अंडर डैम्पिंग स्मॉल डैम्पिंग वेरीज विद टाइम आज, तो क्या होगा? एक्सपोनेंशियली हो जाएगा इसका आंसर। वायरलिंग स्पीड ऑफ ए शाफ्ट कोइंसाइड विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द, क्या होगा ये आपका? ट्रांसवर्स वाइब्रेशन हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद एक किलो मास अटैच टू दी, ये आपका 0.7 Nm/mm दिया हुआ है। क्रिटिकल कोफिशियंट ऑफ द सिस्टम इज आपका 52.92 N/Ns/mm हो जाएगा। उसके बाद रैंकिन थ्योरी इज द फेलोर ऑफ एप्लीकेबल हुई थी विद टाइम ऑफ मटेरियल, ये आपका ब्रिटिल मटेरियल हो जाएगा, ऑप्शन वन। उसके बाद द शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ ए बेल्ट इंक्रीज बाय, दो किसमें आपका इंक्रीज होगा बताइए, क्या आपका आंसर दिया गया है? तो आपका ग्राइंडिंग द सैंक हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन थ्री में दिया गया है। उसके बाद 70 का देख लेते हैं, व्हिच इज द फॉलोइंग की इज द अंडर कंप्रेशन रेदर देन द शियर इज द अंडर द लोड, तो आपका बात हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसमें 10 तो लाइक दे दीजिएगा मेरे को इस वीडियो में, शाफ्ट इज सेपरेटेड टू द फॉलोइंग स्ट्रेसेस,
आपका बोथ बेंडिंग एंड टॉर्सन हो जाएगा। आपके लिए मैं इसी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर लाते रहूँगा सभी एग्जामों के। सेल्फ अलाइनमेंट बियरिंग, इसमें से जरूर क्वेश्चन आएगा दोस्तों, स्फेरिकल हो जाएगा ऑप्शन टू। और उसके बाद ट्रेपेजोइडल थ्रेड से आया हुआ है, कौन सा ट्रेपेजोइडल है, तो एक्मी हो जाएगा ऑप्शन वन। उसके बाद द एफिशिएंसी ऑफ सेल्फ लॉकिंग स्क्रू इज कितना होता है दोस्तों सेल्फ लॉकिंग, तो लेस देन 50% हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन टू। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट सुइटेबल बियरिंग इज द कैरिंग वेरी हैवी लोड इज द स्लो स्पीड ऑफ, ये आपका हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग हो जाएगा ऑप्शन वन। उसके बाद द आउटसाइड डायमीटर ऑफ होलो शाफ्ट इज द इनसाइड डायमीटर दिया गया है, तो कितना हो जाएगा 15/16 ऑप्शन वन हो जाएगा। उसके बाद ये सॉलिड शाफ्ट, ये आपका कैन बी अप्लाइड इनटू, ये आपका हो जाएगा 5.0 kN/m। उसके बाद अंडर टॉर्सन रेटेड मटेरियल जनरली फेल्ड, क्यों फेल होता है दोस्तों ऑप्शन दिया गया, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एंगल सरफेस फॉर्मिंग 45 एंगल अप द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, इसी के लिए फेलर हो जाता है। द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल बीम फॉलो, ये आपका पैराबोलिक पाथ हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन थ्री में है। उसके बाद व्हेन टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर अनइक्वल बट अलाइक, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रिप्रेजेंटेड बाय हाफ द डायमीटर ऑफ मोहर सर्कल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर नॉर्मल स्ट्रेस इज दैट, तो जीरो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन थ्री। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ फेलोर, फेलोर का थ्योरी क्या होगा, तो ऑप्शन सी और डी हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन फोर, जो कि आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी है, मैक्सिमम एनर्जी और डिस्टॉर्शन थ्योरी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 83 का देख लेते हैं। फॉर डक्टाइल मटेरियल द मोस्ट एप्रोप्रिएट फेलोर थ्योरी इज, क्या होगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन वन में दिया गया है। उसके बाद 84 द फेलोर थ्योरी इज अ नियरली सेम रिजल्ट ऑफ दी, ये आपका व्हेन वन प्रिंसिपल स्ट्रेस वन अपन द कंपैरिजन टू द अदर हो जाएगा जो कि ऑप्शन वन में दिया गया है। उसके बाद 85 देख लेते हैं। फॉर्म द हाइपोथेसिस गिवन बाय द रैंकिंग थ्योरी क्राइटेरिया फेलोर इज द ब्रिटिल मेटेरियल इज द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगा इसका आंसर। 86 का देख लेते हैं। वन विल बी ऑकर दिस, पढ़ लीजिएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन वन। द पॉइजन रेशियो मोस्ट मटेरियल इज द क्लोज टू दिया गया है 87 का, कितना होगा 1:3 हो जाएगा दोस्तों जो कि आपका ऑप्शन टू में दिया गया है। उसके बाद 82 स्ट्रेसेस द रेशियो ऑफ द इंस्टेनियस लोड एंड द इंस्टेनियस एरिया जो कि ऑप्शन फोर में दिया गया है। फॉर नॉर्मल स्ट्रेसेस 45° एंगल प्लेन इक्वल टू दी, ये आपका हाफ ऑफ दी नॉर्मल स्ट्रेसेस हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन थ्री में दिया गया है। उसके बाद 94 थिन स्फेरिकल सेल सब्जेक्टेड इंटरनल प्रेशर इज द रेशियो वर्टिकल डायमीटर स्ट्रेन इज आपका 3:1 हो जाएगा जो कि ऑप्शन फोर में है। स्टॉर्ड इन द प्रोजेक्शन वेल्डिंग ऑफ द बिलिंगिंग कैटेगरी इज द वेल्डिंग, तो बताइए इसका 91 प्रोडक्शन आया हुआ है जो कि रेसिस्टेंस वेल्डिंग हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन थ्री में दिया गया है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रोड गेट्स कंज्यूम इन द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस, तो आर्क वेल्डिंग हो जाएगा ऑप्शन फोर। द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रॉपर्टी वेल्डिंग ज्वाइंट इज द कंपेयर टू बेस मेटल वुड बी, ये आपका मोर हो जाएगा ऑप्शन टू में दिया गया है। उसके बाद 94 ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो इन केस ऑफ कार्बोराइजिंग फ्लेम इज द आपका 0.9:1 हो जाएगा जो कि ऑप्शन टू में दिया गया है। फ्री स्टील कास्टिंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सैंड बेटर, कौन सा रेत अच्छा रहता है जो कि होगा कर्सियर ग्रेन ऑप्शन टू में दिया गया है। उसके बाद हॉट टीयर रेफर्स टू, हॉट टीयर्स किस में रेफर किया जाता है जो कि आपका कास्टिंग डिफेक्ट्स में किया जाता है। सिल्क इज ए फाउंड्री शॉप इज ए यूज आपका मेक द रिपेयर कॉम इन ए मोल्ड हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 98 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वुड प्रोड्यूस बेस्ट कंपोनेंट्स, तो हो जाएगा डाई कास्टिंग में बेस्ट कंपोनेंट्स मिलाया जाता है। उसके बाद 99 स्पार्क होल एन ओपनिंग द मॉल्ड पोरिंग मोल्टिंग मेटल हो जाएगा। उसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन कॉइनिंग इज द ऑपरेशन ऑफ कोल्ड फॉर्जिंग हो जाएगा इसका आंसर जो कि ऑप्शन वन में है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो 10 लाइक मैं टारगेट रखा हूँ दोस्तों, आप सभी का प्यार मिलेगा मेरे को। और इसी तरह फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी गवर्नमेंट जॉब के वीडियो में, नोटिफिकेशन और या जॉब रिलेटेड या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर में दोस्तों। इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नीचे टेलीग्राम लिंक है, जाके पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वहीं पर ज्वाइन हो जाइए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं।